प्यारे छात्रों, अब चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हम लोग चल रहे थे उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री का अगर बात करें तो कल एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिए थे, उसका आंसर हम आज बताने वाले हैं। उसका आंसर था 2.47 वोल्ट, ये आंसर था। जिन लोगों ने बनाया होगा इसका आंसर, सही आंसर देख लीजिए कि क्या है। तो कल जो दिए थे क्वेश्चन उसका आंसर है 2.47 वोल्ट। चलिए तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या है। चलिए तो आगे हम लोग टॉपिक देंगे सांद्रण सेल। टॉपिक देंगे उसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, सांद्रण सेल के नीचे फर्स्ट एरो देंगे लिखेंगे। वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हो किंतु जिन वैद्युत अपघट्य में डुबाकर रखा जाता है वे विभिन्न सांद्रण वाले हों उसे सांद्रण सेल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग सांद्रण सेल को समझते हैं कि ये सांद्रण सेल है क्या। सबसे पहले एक बर्तन लेना होता है। हमने बर्तन ले लिया यहां पे, एक बर्तन है और इस बर्तन में आपको वैद्युत अपघट्य का विलयन लेना है। वैद्युत अपघट्य का मतलब हम लोग सबसे पहले समझते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन कौन कौन से होते हैं, तो CuSO4, ZnSO4, H2SO4, दैट ये सब क्या है, ये सब वैद्युत अपघट्य के विलयन है। अब एक कंटेनर है और एक कंटेनर में बीच में उसको डिवाइड करना, जैसे मान लिया कि एक बर्तन लिया और उसमें कुछ ऐसा बीच में एक परतदार टुकड़ा डालेंगे ताकि एक विलयन अलग हम लोग रख सकते हैं और दूसरा अलग रख सकते हैं। अब सांद्रण सेल तभी कहेंगे हम इसको जब दोनों में सेम विलयन लेंगे। अगर मान लिया कि एक तरफ आप ZnSO4 लिए हैं तो दूसरा तरफ भी आपको ZnSO4 ही लेना होगा। अगर पहला तरफ CuSO4 लेंगे तो दूसरा तरफ भी आपको CuSO4 ही लेना होगा। यानी कि दोनों तरफ हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो जो विलयन जो है वो सेम रखने वाले हैं CuSO4, तो यहां पे भी क्या होगा CuSO4। यानी कि दोनों तरफ जो हम लोग विलयन लेंगे यानी कि एक बर्तन में, वो दोनों तरफ सेम लेने वाले हैं, सेम लिया जाता है सांद्रण सेल में। अब क्या होगा, तो अब जब CuSO4 लिए हैं तो इसमें किसका इलेक्ट्रोड डुबाएंगे, कॉपर का। जब CuSO4 लिए हैं तो कॉपर का ही ना इसमें इलेक्ट्रोड डुबाएंगे, तो यहां पे हम डुबा दिए कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जब यहां पे CuSO4 लेंगे तो यहां पे भी किसका रॉड डुबाएंगे, यानी कि किसका छड़ इसमें डुबोना पड़ेगा, तो इसमें भी हमको कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डुबाना पड़ेगा। अगर हम लोग ZnSO4 लेते तो यहां जिंक का इलेक्ट्रोड लेना पड़ता। तो अगर हमसे पूछेगा कि ये किसका रॉड है, तो यहां पे कॉपर रॉड है, कॉपर का छड़। यहां पे किसका छड़, तो यहां पे भी कॉपर का रॉड है। अब क्या करना होता है, कैसे बोलेंगे कि सांद्रण सेल में तब अंतर क्या पड़ेगा, यहां पे भी सेम लेना है, यहां पे भी सेम लेना है, यहां पे अगर जिस धातु का अगर विलयन लेंगे उसका इलेक्ट्रोड डुबोना है, और साथ में इधर हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। यहां पे मान लिया कि रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मतलब कोई बल्ब वगैरह जोड़ते हैं, यहां पे वोल्ट है और यहां पे की वगैरह कुंजी वगैरह जोड़ दीजिए। अच्छा,
अब हम लोग कब बोलेंगे कि ये सांद्रण सिर होगा? दोस्त, सांद्रण सिर का डेफिनेशन होगा कि एक ही बर्तन में दो सेम यानी कि दो एक ही समान का विलयन लेना है, परंतु किंतु आपको सांद्रण अलग अलग याद रहे दोस्त। सांद्रण पांच तरह का हम लोग पढ़े थे, मूलरता, मूललता, मूल प्रभाज, प्रतिशत, पीपीएम, यही ना पांच तरह का सांद्रण सेल होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे दोनों सेम तो विलयन लेंगे, परंतु यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो इसका अलग, जैसे मान लिया कि इसका दो मोल ले लिए तो इसका तीन मूललता ले लेंगे। यही तो अंतर है, यहां तक लोग सभी समझ जाते हैं, लेकिन मेन जो काम है यही है, यही आपको कहला देगा सांद्रण सेल। यानी मेन काम यही है, यानी कि हम लोग लिखेंगे कैसे, एक ही बर्तन में लिए गए समान वैद्युत अपघट्य विलयन, परंतु दोनों का सांद्रण क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों ये कभी सेम नहीं हुआ होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो सांद्रण सेल कहलाएगा ही नहीं, राइट। यानी कि एक 2m लिए तो दूसरा 3m, चाहे इससे कम ही आप लो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए। यानी कि ये जो 2m है ये क्या बतला रहा है, तो ये सांद्रण बतलाता है, इसका सांद्रण 2m है और इसका सांद्रण जो हुआ वो 3m हुआ। तो यहां सांद्रण अलग अलग होना चाहिए, ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे सांद्रण से। तो दोस्त यही था सांद्रण सेल। आप सांद्रण सेल का फर्स्ट एरो लिखें, उसके नीचे ये फिगर अच्छा से बना लीजिएगा। तो ये सांद्रण सेल था। चलिए आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं था, न्यूमेरिकल्स आएगा तो हम ऑटोमेटिक उसको सॉल्व करवाएंगे और आपको बनाने के लिए भी देंगे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद सांद्रण सेल के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बैटरी या सेल। टॉपिक देंगे बैटरी या सेल, बैटरी या सेल। क्या होता है बैटरी, यानी कि बैटरी को भी हम लोग सेल भी बोलते हैं। बैटरी का दूसरा नाम क्या है, सेल। इसीलिए जो टॉपिक लेंगे वो बैटरी या सेल है। अब इसका फर्स्ट एरो देंगे, फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, युक्ति माने मशीन है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फर्स्ट एरो हो गया। सेकेंड एरो लिखेंगे सेल के दो प्रकार हैं। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। पहला का नाम है प्राथमिक सेल और दूसरा का नाम है द्वितीयक सेल। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बैटरी किसको कहते हैं दोस्त। बैटरी ही नहीं, हम लोग जो यहां पे चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन, इसमें हम लोग यही चीज तो सीखे हैं कि किसी भी रसायन का मतलब विलयन से करंट कैसे प्राप्त करते हैं, करंट हम लोग कैसे ले सकते हैं, एक जो भी वैद्युत अपघट्य विलयन होगा उससे। हम लोग ये भी पढ़े कि वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है, अपघट्य क्या होता है। सेल किसको कहते हैं, सेल का मतलब जिस बर्तन में रखने पे उसमें वो रासायनिक क्रिया कराया जाता है। तो अब हम लोग को जो डिस्कस करना है ये बैटरी, तो बैटरी का मतलब भी तो वही ना हुआ कि ऐसा रसायन, ऐसा केमिकल जिससे हम लोग क्या प्राप्त कर सके विद्युत, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सके, वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। हम लोग टॉर्च में, घड़ी में, रेडियो में, सब में हम लोग जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एक तरह का केमिकल है। और वो केमिकल, अच्छा बैटरी भी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, हम लोग वही डिस्कस करेंगे, एक का नाम है प्राथमिक और एक का नाम है द्वितीयक।
हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि प्राथमिक किसको बोलेंगे और द्वितीयक किसको बोलेंगे। प्राथमिक सेल वह सेल होता है, प्राथमिक सेल वह सेल होता है जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। सीधा मतलब, जैसे अगर ये घड़ी का में जो बैटरी लगता है एक बार खत्म तो दोबारा वो क्या है, लिखो फिको है। एक बार लिखो फिको जैसा है ना, एक बार आप इस्तेमाल किए, जब खत्म हुआ चलना वो बैटरी खत्म, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं, वो खत्म हो गया। और जो मोटा वाला जो सेल होता है, जो रेडियो वगैरह में लगाया जाता है या फिर जो घड़ी में भी छोटा पेंसिल वाला बैटरी लगाया जाता है, वो सब क्या है, एक बार खत्म तो खत्म। लेकिन द्वितीयक बैटरी जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं, हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करते हैं कि वह बैटरी जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा उसको चार्ज करके, चार्ज देकर और हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें भी जो बैटरी होता है बार बार चार्ज करके यूज करते हैं, वो क्या है, द्वितीयक सेल है। तो याद रखिए कि बैटरी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक का नाम है प्राथमिक और एक का नाम है द्वितीयक। अब प्राथमिक किसको बोलेंगे, जो एक बार यूज करने के बाद, एक बार यूज करने के बाद दोबारा वो उसका यूज नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक। द्वितीयक, एक बार यूज करने के बाद भी हम लोग उसको बार बार पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर, जो मोबाइल फोन में जो बैटरी है उसका, या फिर जो लाइट घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, जो चाइनीज लाइट बहुत सारी आती है, उसको बार एक बार आप यूज करो फिर से आप चार्ज में लगा दो, चार्ज होने के बाद। तो ये सब द्वितीय कैटेगरीज में आता है, राइट, यानी कि ये दो तरह का बैटरी होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, प्राथमिक सेल क्या है, स्पेशल, तो ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब लिखेंगे हम लोग टॉपिक प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल का फर्स्ट एरो देंगे, प्राथमिक सेल का, प्राथमिक सेल टॉपिक बनाएंगे उसका फर्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए प्राथमिक सेल में, प्राथमिक सेल में पदार्थ की, पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर, रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट एरो देंगे, दूसरा एरो लिखेंगे, इस सेल को एक बार उपयोग कर लेने के बाद, इस सेल को एक बार उपयोग कर लेने के बाद इसे, इसे दोबारा, दोबारा पुनर्जीवित, इसे दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। पुनर्जीवित का मतलब दोबारा से उसको जिया नहीं सकते हैं, पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट एरो, थर्ड एरो, थर्ड एरो में लिखेंगे लेक लॉन्च सेल, लेक लॉन्च, लेक लॉन्च सेल और लेक लॉन्च सेल और गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल कॉमा प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं, प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग जैसा कि डिस्कस किए कि प्राथमिक सेल क्या है, तो वह सेल जिसको एक बार यूज कर लेने के बाद उसको दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है, दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सवाल पूछता है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण दीजिए, तो आपको दो उदाहरण बिल्कुल याद रखना है, लेक लॉन्च और गैल्वेनी सेल। ये दोनों जो सेल होता है वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, नाम है एक तरह का आपको याद रखना पड़ेगा कि लेक लॉन्च और गैल्वेनी, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत दो सेल आते हैं, उसका उदाहरण है लेक लॉन्च और गैल्वेनी। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब टॉपिक देंगे स्पेशल लेक लॉन्च सेल के बारे में। अब टॉपिक देंगे कि लेक लॉन्च सेल क्या है, लेक लॉन्च
लेक लॉन्च सेल, लेक लॉन्च सेल। कि लेक लॉन्च सेल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले एरो देंगे, लिखेंगे इस सेल का आविष्कार जॉर्जेज लेक लॉन्च नाम ही था इसका। अक्सर जो वैज्ञानिक होते हैं अपने नाम पे ही जो भी आविष्कार करते हैं उसका नाम रख देते हैं। तो इस सेल का आविष्कार जॉर्जेज लेक लॉन्च, पूरा नाम है जॉर्जेज लेक लॉन्च ने सन 1868 ईस्वी में किया, सन 1868 ईस्वी में किया। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे यह सेल जिंक के बर्तन का होता है, यह सेल जिंक के बर्तन के होता है जो रिन इलेक्ट्रोड का काम करता है। इसकी बाहरी सतह, उसी में लिखना है अभी, उसी में इसकी बाहरी सतह कार्डबोर्ड से ढकी रहती है ताकि वायुमंडल से सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जिंक से बनी बर्तन में NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और एक और याद रखना है नाम, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इसको क्या बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड। यानी कि जो हम लोग एरो दे रहे थे उसमें लिखेंगे जिंक के बने बर्तन में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के मिश्रण की भीगा हुआ ले का मतलब जो आटा गुथते हैं तो एक ले नहीं बनता है, हाँ वही, तो भीगी हुई ले भर दी जाती है तथा इस लेई में ग्रेफाइट की छड़ डुबा दिया जाता है जो कैथोड का काम करता है। चलिए अब ये लेक लॉन्च सेल का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, 1868 ईस्वी में जॉर्जेज लेक लॉन्च के द्वारा, राइट। अब ये क्या है, इसका फिगर कैसे बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये लेक लॉन्च सेल जो होता है वो जिंक से बना हुआ एक बर्तन में, ये जो बर्तन है वो किसका है, जिंक का है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है जो हम अभी बना रहे हैं ये जिंक का बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा फिगर, ये जिंक है, ये
जिंक से बना हुआ बर्तन है, इसको क्या है, इसको बोलेंगे जिंक का पत्थर, चारों तरफ रहता है। अब ये जिंक का पत्थर है, अब इसको चारों तरफ से ढकने के लिए एक कार्डबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कार्डबोर्ड का मतलब जैसे हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये जो जिंक का पत्थर है, ये जो लाइनिंग है, ये किसका है, तो ये कार्डबोर्ड है। ये क्या है, कार्डबोर्ड, यानी कि जो ऊपर, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं तो जो बैटरी रेडियो में लगता है ना, मोटा वाला लगता है ना, आप उसके ऊपर देखेंगे कि निपो लिखा रहता है, तो पैनासोनिक लिखा रहता है ना, वो जो कंपनी वो कार्डबोर्ड पे ही लिखा रहता है, यानी उसको ढकने के लिए एक कार्डबोर्ड होता है जो चारों तरफ से ढका हुआ रहता है, और उसके अंदर आप देखिए कि पतला एकदम जिंक का पत्थर रहता है, यानी कि जिंक के पत्थर का एक बर्तन है चारों तरफ से, उसको ढकने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या किया जाता है कि यहां पे जो देख रहे हैं, जो हम अभी चारों तरफ दिखा रहे हैं, इसमें दोस्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो चारों तरफ रहता है एक बैटरी के चारों तरफ, ये जो डॉट है, ये अभी हम बताए ना कि अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड यहां का ले भरा है, यानी कि ये जो है ये क्या है, तो NH4Cl और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब दोनों को मिलाकर और आटा जैसे गूंथते हैं ना उसमें पानी डालकर, वैसे ये गूंथा हुआ लेई तो यहां पे भर देते हैं, और उसके नीचे जो लेते हैं वो ग्रेफाइट का चूर्ण, आप लोग उसको तोड़ते होंगे तो देखते होंगे काला काला जो निकलता है वो क्या है, तो यहां पे ग्रेफाइट का चूर्ण रहता है। यहां पे जो गोला गोला बता रहे हैं ये क्या है, उसके अंदर भरा रहता है। यानी कि ये जो हम लोग गोला बनाए ये क्या है, तो ग्रेफाइट का चूर्ण है, ग्रेफाइट का चूर्ण, और ये जो बीच में है यही है मेरा ग्रेफाइट का छड़, और ये काम करता है मेरा कैथोड का, यानी कि ये जो बीच में हम बना रहे हैं ये क्या है, तो ग्रेफाइट का छड़ है, और इसके ऊपर जो रहता है वो पीतल का कैप रहता है, यानी कि ये जो है ये ग्रेफाइट का छड़ है, और ये आपको कैथोड का काम करता है, मतलब प्लस का काम करता है, जो क्या है, कैथोड है, और यहां पे ये निगेटिव काम करता है, यानी कि ये जो जिंक वाला इधर वाला परत है वो एनोड का काम करता है, एनोड यानी कि माइनस। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो ये मेरा बैटरी है, अगर बैटरी को जैसे आप बोला एक बैटरी है उसको बीचों बीच अगर आप कट करेंगे, बीचों बीच काटेंगे तो यही आपको मिलेगा, ऐसा ही आपको अलग बीच में ग्रेफाइट का छड़ मिलेगा, उसके बाद जो चारों तरफ भरा रहता है वो ग्रेफाइट का चूर्ण भरा रहता है, और उसके बाद जो लेई भरा रहता है, और यही जब लेई सूख जाता है धीरे धीरे, जो उसमें नमी होता है वो धीरे 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 सूख जाता है, वो बैटरी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको शुष्क सेल भी कहा जाता है, याद रखिए शुष्क सेल, यानी कि प्राथमिक सेल एक कैसा सेल है, तो शुष्क सेल है, सूखा सेल है, राइट, यानी कि जब ये धीरे धीरे इसमें नमी जब खत्म हो जाता है वो बैटरी खत्म हो जाता है, और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये जो एक बार अगर इसका यूज कर लेंगे तो फिर दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लेक्रोच सेल के बारे में जो फर्स्ट एरो देंगे उसके नीचे ये फिगर बना लेना है, और फिगर के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे फिगर के नीचे शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है,
शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, आपको याद रहना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी सूखा सेल पर लिखा हुआ देखेंगे कि 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, चाहे वो एक घड़ी का ही बैटरी क्यों ना हो, इसको आप जब खोलिएगा उसमें छोटा अक्षर में लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। अगर आप रेडियो में इस्तेमाल करने वाला जो सूखा सेल रहता है उस पर भी आप लिखेंगे कि ये कितना वोल्ट का बैटरी है, तो उसमें लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट। जो पेंसिल वाला बैटरी घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है दीवार घड़ी में, उसमें भी आप देखेंगे कि 1.5 वोल्ट का होता है। तो ये अक्सर सवाल पूछता है कि शुष्क सेल जो होता है वो कितना वोल्ट का बैटरी होता है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का बैटरी होता है। अब उसके आगे नेक्स्ट आप देंगे लिखेंगे शुष्क सेल से अनेक लाभ हैं, शुष्क सेल से अनेक लाभ हैं। पहला, शुष्क सेल से अनेक लाभ हैं। पहला, यह हल्का होता है, बिल्कुल हम लोग बाजार से खरीद के आ जाते हैं तुरंत पैकेट में रख के, हल्का होता है, यह हल्का होता है। दूसरा, यह सस्ता होता है, बिल्कुल अब बोलोगे सर मेरे पास तो पैसा नहीं है तो मेरे लिए तो महंगा है, तो ऐसा नहीं है, द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल दोनों में कंपेयर किया जा रहा है, एक इन्वर्टर लगाना और एक घड़ी का बैटरी लगाना कौन सा सस्ता है, तो यह सस्ता है। तो दूसरा में यह सस्ता होता है। तीसरा, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, बिल्कुल ये चूंकि हल्का होता है तो हम लोग कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर है जो एक ही बारी 5-10 अगु आदमी का लगाना पड़ता है उसको उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये कुछ शुष्क सेल का लाभ है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन वो हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। प्राथमिक सेल आपका कंप्लीट हो गया, फिगर वगैरह अच्छे से बनाइएगा, दिख रहा है ना फिगर अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से नोट करते जाइए और जब कभी भी क्लास खुलेगा तो हम लोग को टेस्ट लेने के लिए भी उतना पढ़ पाएंगे तो आराम से टेस्ट भी हम लोग दे लेंगे, या फिर हम कुछ डिसाइड करते हैं कि ऑनलाइन भी कुछ टेस्ट हो तो उसके लिए हम बात करते हैं फिर। थैंक यू।